स्टडी पोर्ट जो कि सिविल लाइंस दत्त रोड नियर मेडिसिटी हॉस्पिटल मोगा विखे स्थित है। स्टडी पोर्ट अपने इलाके में बहुत ही वधिया तरीके सेवावां दे रहा है। इत्थे आईलैट्स स्पोकन इंग्लिश के कोर्स बहुत ही वधिया तरीके करवाए जाते हैं। इत्थों का स्टाफ हमेशा ही बच्चों को गाइड करने लई तैयार रहिंदा है। बीते दिन ही साडी पंजाब प्लस दी टीम ने स्टडी पोर्ट का विशेष दौरा किया। पेश है पंजाब प्लस दी टीम वालों एक रिपोर्ट। And what are the causes and solution of this? As we know, what is the meaning of rubbish? The rubbish, the trash, the waste material, right? Increasing day by day. So what are the reasons behind it? Why it is increasing day by day? Okay. The first reason is globalization, right? Globalization. And the second reason is disposable culture. What is disposable culture? What do you understand by disposable culture? Use and throw. What do? We buy things, right? For example, you are buying chips. You are buying that juice, real juice, fruity. What do? We use that and throw that. We buy daily products, right? Shampoo. But what mind you have to see study port? Sir, I have a teaching experience of almost more than 10 years. So, when I came here in Moga, so I thought that I should open my own institute because I had a knowledge about it. So initially I started with the two students. So they got result. After that, the number of students had multiplied. So it's a mercy of God that now I have number of students because of the quality which I give them. Okay, I just put more emphasis on the quality rather than the infrastructure, like the, as other institute used to, emphasis on the we give high quality of chairs, headphones, material. We used to give materials, photo states and all. I don't give emphasis on that. I just give more importance to the quality. Due to that, all the students are very happy, right? Thanks to the God, the students, those who give exam, those who give prepare for their exam, they get appropriate band score, even more than desired band score they get. Madam, as far as students are concerned, जैसे आपके पास जब student आते हैं, उनका body language जो है, वो थोड़ा सा weak होता है, उनको लगता है पता नहीं IELTS करने जा रहे हैं हम लोग, पता नहीं कितना बड़ा हुआ है, लेकिन जब उनको आप attach करते हो अपने साथ, बताते हो कि IELTS ही तो English speaking कोई difficult बात नहीं है, English को speaking करना, writing करना, तो उनको एक इस जोन में आप ले जाते हैं, तो उनका जो बॉडी लैंग्वेज है वो भी बदल जाता है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर, जब मेरे पास बच्चा इनिशियली आता है तो सबसे पहला जो उनका प्रॉब्लम था कि मैम स्पीकिंग में बैंड स्कोर नहीं आ रहा, मैम मेरा मैं समझ तो लेता हूँ पर मेरे से ना जब मैं बोलता हूँ या मैं बोलती हूँ तो मैं घबरा जाती हूँ, मेरे को आता नहीं। तो सबसे पहले मैं उनको ये बोलती हूँ कि कोई भी चीज़ अगर हम सीख रहे हैं, वो चाहे कोई काम हो, कोई लैंग्वेज हो, सबसे पहले हमें इंटरेस्ट होना चाहिए सीखने के लिए, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इंटरेस्ट वो कैसे, हमने एक तो टीचर के ऊपर डिपेंड होता है कि टीचर ने कैसे बच्चों के अंदर इंटरेस्ट क्रिएट करना है। दूसरा, जब बच्चा क्लास में सीखता है तो बच्चे को मैं इस जोन में लेके आती हूँ कि बच्चे को पता ही नहीं चलता कि वो कोई चीज़ थ्योरेटिकली लर्न कर रहा है, वो प्रैक्टिकली क्लास में जैसे हम नॉर्मल बात करते हैं वैसे ही बच्चा स्पीकिंग अपनी इम्प्रूव कर लेगा। नॉर्मल जैसे बच्चों को आप बेसिकली जो यहाँ में जो पंजाब में जो बच्चे हैं उनको प्रॉब्लम आती है क्योंकि पंजाबी मीडियम से हैं, उनको पता ही नहीं होता कि टेंसेस कैसे यूज़ करना है। अगर मैं उनसे पूछती हूँ कि टेंसेस क्या है, सारे बड़े जल्दी आंसर देते हैं मुझे, बोलते हैं मैम चार टाइप के टेंसेस होते हैं, ये होता है वो होता है। बट जब मैं उनको बोलती हूँ कि अच्छा मुझे बताओ कि सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ कैसे करना है, फिर उनके पास कोई आंसर नहीं होता, वो फिर क्या कहते हैं मैम मुझे पंजाबी में कोई सेंटेंस बता देंगे। तो मैं उनको बोलती हूँ कि अगर आपको टेंस सीखना है कि प्रेजेंट टेंस यूज करना है तो कहाँ यूज करना है, मैं उनको बोलती हूँ ये आप ऐसे बोलो, ये आपका प्रैक्टिकल चीज है, हम यूज कहाँ कर रहे हैं। मैं ऐसे नहीं कि मैं उनको बोर्ड में थ्योरेटिकली एक फॉर्मूला लिखवा दूँ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एस और यस ऑब्जेक्ट, ऐसे नहीं, मैं उनको प्रैक्टिकली सिखाती हूँ कि अच्छा ये बताओ आप डेली रूटीन में क्या कर रहे हो आप। तो ऑटोमेटिकली बच्चा बोलता है मैम मैं ये करता हूँ सुबह से लेकर शाम तक, मैं ये करता हूँ तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं सीख लिया। ऐसे ही मैं हर एक मॉड्यूल में ये मैं किसी से कोई बच्चे को मेमोराइज नहीं करवाती, याद नहीं करवाती कि आप ये रट्टा लगा के लेके आओ, या मैंने आपको 1000 वर्ड दे दे इनको रट्टा लगा के लेके आओ। मैं उनको जो वर्ड क्लास में करवाती हूँ वही वर्ड उनको बोलने में, वही वर्ड उनको लिखने में,
ग्रामर के बेस पर लिखने में रीडिंग में कैसे वर्ड यूज किया, उसका क्या क्या सिमिलर मीनिंग्स हैं, बच्चा क्लास में ही सीख लेता है। इसलिए मेरे इंस्टीट्यूट में ऐसा नहीं है कि मैं बच्चों को बोलूं बच्चा आप इतनी फीस दो मैं आपको सारा मटेरियल दे दूं। मैं बोलती हूँ मटेरियल ये जो मैं क्लास में करा रही हूँ, आप इसको सीख लो, इसको बोलना सीख लो, इसको लिखना सीख लो, आपको ऑटोमेटिकली आपकी ग्रामर, स्पोकन, राइटिंग, रीडिंग सब इम्प्रूव हो जाए। मैडम आप ये समझते हैं कि जो बच्चे हैं जैसे टेंसेस की आप बात की, हम लोग जानते तो होते हैं हर चीज को, प्रेजेंट टेंस को, पास्ट टेंस को, फ्यूचर को, लेकिन जब आप उसको स्ट्राइक कर देते हो वो हमारे पास मेमोरीज तो होती हैं क्योंकि हमने देखा होता है, हमें टीचिंग कराई होती है, तो वो जो मेमोरीज को आप एक नया रूप दे देते हैं उसके साथ हमें बहुत ईजी रहता है। जी सर क्या होता है जैसे बच्चे ना चीज को ना हमारी जो हैबिटेटली मैं ये कहूंगी कि एक दुर्भाग्य है हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है वो क्या होता है कि बच्चे को ना रट्टा लगाया जाता है, चाहे वो टेंसेज हो कोई चीज़ है। मेरे पास जो बच्चा आता है मैं उसको रट्टा नहीं लगाती, चाहे बच्चे को 15 दिन लग जाए चाहे 10 दिन लग जाए, 15 दिन बाद बच्चे को मैं बोलती हूँ बच्चा आप इंस्टीट्यूट में आए ना, 15 दिन में आपके अंदर ग्रोथ अगर आपको नहीं नजर आती तो इट मीन्स द ट्रेनर हु इज टीचिंग यू वो सही डायरेक्शन में नहीं पढ़ा रहा आपको। अगर आपके अंदर 15 दिन में आपके अंदर ग्रोथ आ रही है और आपको फील हो रहा है कि हाँ मेरे अंदर ग्रोथ आ रही है, मेरा पहला डे और 15 दिन में क्या डिफरेंस है, मैं कहा तब आप यू कैन स्टिक टू द इंस्टीट्यूट, यू कैन ज्वाइन, अदरवाइज यू कैन लीव। मेरी तरफ से कोई बाउंडेशन नहीं है बच्चे को, मैं बच्चे को चीजें इस तरीके से करवाती हूँ। बच्चा आप घर में बैठा, मैं बोलती हूँ अच्छा स्पेंड, बच्चों को ही बता मैम स्पेंड का मतलब होता है खर्च करना, तो अच्छा जब उनको क्या था इसी स्पेंड का मतलब हमारा टाइम भी खर्च करना होता है, इसी का हमारा पैसा खर्च करना भी होता है, ठीक है आप इसी के कई बच्चे यूटिलाइज करना, एलोकेट करना। तो बच्चे को मैं क्या करती हूँ ये जो वर्ड है, हम मोस्टली जो टीचर्स होते हैं कहते हैं रट्टा लगाते हैं बोर्ड में लिख के, वो कहते हैं अच्छा ये रट्टा लगाओ। बच्चा जब लिखता है उसको पता ही नहीं होता मुझे यहाँ पर यूटिलाइज लिखना है, मुझे यहाँ पर कंज्यूम लिखना है, मुझे यहाँ पर स्पेंड लिखना है। वो डिफरेंसेस बच्चा बोल के अपनी लैंग्वेज के थ्रू ही ऑटोमेटिकली सीख जाता है, उसे ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ती मुझे ये सेंटेंस है ये लिखना वो लिखना, वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। मैडम आप तो एक खजाना है और हमारा चैनल के पास हमारे पास टाइम थोड़ा कम है, हम चाहेंगे कि आप जैसे जो बुद्धिजीवी हैं जो एजुकेशन में बच्चों को एक नई जिंदगी दे रहे हैं, हम लोग आपकी जो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के साथ अटैच होकर अपने चैनल के माध्यम से लोगों से आपको रूबरू कराएं, और हम ये बाकी सेंटर वालों को कहना चाहेंगे कि जो दिल से जैसे टीचर ये अपना जान लगा कर पढ़ा रही है, इसका मन है कि बच्चे ही जो है मेरे ही बच्चे हैं, मेरे मैंने इनको एक नई जिंदगी देनी है, वैसे ही आप लोग एजुकेशन में लेकर आए क्योंकि आज एजुकेशन है जो एजुकेशन है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बट हाउ यूर फीलिंग हियर? I'm feeling very good here and I'm feeling very confident about speaking English, reading, listening and all module of the IELTS. Sara chire kisun dena jande ha? I'm willing to give this all share to my Sonia ma'am and she is very talented and she is very helpful in all modules. And now your confidence levels are very high? Yes, I'm very confident about everything. Well, I feel very comfortable at here and in this institute I increase my confidence level. With the help of Sonia, I not only increase my vocabulary but also enhance my knowledge related to speaking module and I can easily understand all things related to IELTS module. ਬੜਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਆਈਲੈਟਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਸੋਨੀਆ ਮੈਡਮ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀਆਂ? ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਵੇਖਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲਈ ਹੈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੋਨੀਆ ਮੈਮ ਬਾਰੇ, ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਰਿਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਦੋਂ ਬੈਸਟ ਟੀਚਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰੀਡਿੰਗ ਲਿਸਨਿੰਗ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਬੈਸਟ ਟੀਚਰ ਆ ਇਨ ਦੀ ਸਿਟੀ। ਕੋਨਫੀਡੈਂਸ ਵਧਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਿਮਾਰਾਂ ਆਉਂਗੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾ ਸਮਝ ਆਵੇ ਉਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੋਡੀ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹ ਜਿਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬਾਉਂਸਰ ਵੀ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮੈਡਮ ਆ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੈ ਘੋੜ ਕੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਦੇਖ ਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਜਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਇਗਜ਼ਾਮ ਦਊਂਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੈਂਡ ਲਊਂਗੀ, ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਿਪਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਦੋਂ ਬੈਸਟ ਟੀਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਲਈ। ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਮੈਂ ਚੂੜਚੱਕ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਪਹੁੰਚੇ ਇਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੱਬ 'ਚ?
ਜੀ ਸਰ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸਿਸਟਰ ਦੋਨੇ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਲਾਏ, 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਆਈਲੈਟਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਡ ਆ ਗਏ 7 ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਪਲੱਸ ਟੂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਡੈਮੋ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਹੈਗੇ ਲੱਗਦਾ ਸਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 7 ਬੈਂਡ ਆ ਗਏ ਵੀ ਬੈਂਡ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਫੋਰਮ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਮਜ਼ੇ ਲਵਾਂਗੇ ਪੂਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਉਮੀਦ ਵੀ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਅਤੇ ਮੈਡਮ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਫਿਲ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਪੂਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬੇਟਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ। ਮੈਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਹੀ ਇਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮੈਂ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਮਬੀਸੀ ਇਜ਼ ਆ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਅਤੇ ਮੈਡਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਟੈਂਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮੈਡਮ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਰਾਹ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਡਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬੇਟਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਈਲੈਟਸ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਮੈਡਮ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਵੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਦੂਜੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆ। ਇਕੱਲੀ ਇਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਰੀਡਿੰਗ ਦੀ ਬਹੁਤ ਨੌਲੇਜ ਆ ਮੈਮ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਧੀਆ, ਨੌਲੇਜ ਬਹੁਤ ਮੈਮ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆਏ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡਮ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਡਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਮੈਡਮ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ 3-3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤੀ ਉਹ 'ਚ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵੱਧਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਫੜਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਪਿੰਗ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਆਉਣਗੇ ਪੂਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਪੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਹੈਜੀਟੇਸ਼ਨ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਟੈਂਸਿਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਨੌਲੇਜ ਟੈਂਸਿਸ ਦੀ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸਰ। ਬੇਟਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬਾਈ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਇੰਜੋਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਈਜ਼ੀ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹੈਗੇ ਹਾਂ? ਯੈਸ ਸਰ, ਈਜ਼ੀ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੂਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਔਰ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੈਡਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨੇ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਬੜੇ ਨੋਬਲ ਰਹਿਣਾ, ਈਜ਼ੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਘਬਰਾਹਟਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਸਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਡਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਰੀਡਿੰਗ ਦੀ, ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੀ, ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੀ। ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਇੰਜੋਇੰਗ ਇਟ? ਯੈਸ ਸਰ।